Hello students, welcome once again. This is your English teacher Anuradha Dubey and I am here to explain poem number 2 from class 11 textbook reader Hornbill. The title of the poem is The Labanum Top and it has been composed by Ted Hughes. Before moving ahead in the poem, let's discuss some facts about the poem and the poet. Ted Hughes is a modern nature poet who is expert in depicting nature नेचर से ऐसे ऑब्जेक्ट उठाते हैं कि वो वर्ल्ड के थ्रू हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर पोएम ही हैज गिवेन अस पिक्चर ऑफ अ साइलेंट लैबनम टॉप वेयर अ गोल्ड फिंच कम्स एंड ब्रिंक्स द होल ट्री टू मूवमेंट सो लेट्स अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दिस पोएम एक पेड़ है लेबनम का जिसे हम हिंदी में अमलताश कहते हैं ये अमलताश का जो पेड़ होता है इस पर ढेरों येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं हैंगिंग फ्लावर्स इस पर होते हैं पॉइजनस सीड इस पर लगे होते हैं और जब एक गोल्ड फिंच आके इस पेड़ के टॉप पर बैठती है क्या क्या साउंड्स क्रिएट करती है क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आते हैं इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंड इन टर्म्स ऑफ साउंड ये सारा का सारा इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट द फर्स्ट थ्री लाइन से द लैबनम टॉप इज साइलेंट तो पोइट जो है उसने एक इमेज आपके सामने पेश कर दी है कि लाबनम का टॉप जो है वो साइलेंट है यानी लाबनम पेड़ जो है उसका जो सबसे ऊपर का हिस्सा जो है वो अपने आप में बिल्कुल साइलेंट है इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है और कोई भी आवाज नहीं है क्वाइट स्टिल यहाँ कोई मूवमेंट भी नहीं है इन द आफ्टरनून येलो सेप्टें सनलाइट. दिस इज द मंथ ऑफ सेप्टेंबर इट्स लाइट ऑन द टॉप ऑफ द लैबनम दैट्स वाई इट इज टर्निंग इन टू मोर येलो और ज्यादा पीला ये हो गया है सूरज की रोशनी पड़ने से अ फ्यू लीव येलोइंग ऑल इट्स फॉल इन कुछ पत्तियां जो हैं इसकी पीली पड़ रही हैं पत्तियां पीली पड़ती हैं जब इनके गिरने का टाइम आता है और इसके जो सीड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा गिर चुके हैं क्योंकि सितंबर का मंथ है इट्स द स्टार्टिंग ऑफ ऑटम तो ये सब खत्म होने वाला है बाहर जो है वो खत्म होने वाली है इसकी वजह से पेड़ की पत्तियां जो हैं वो पीली हो रही हैं और उसके बीज जो हैं वो ज्यादातर गिर चुके हैं तो ये फर्स्ट थ्री लाइंस में पोइट एक्सप्रेस करता है पोइट प्रेजेंट करता है एक पिक्चर आपके सामने कि कैसा रहा होगा जब सितंबर की एक दोपहर में लेबरनम टॉप कंप्लीटली साइलेंट है जिसमें कोई मूवमेंट और कोई भी साउंड नहीं है टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चारो ट्विचिंग झटके से चेरोप होता है चहकने की आवाज और सडनली क्या होता है गोल्ड फिंच आती है गोल्ड फिंच इज अ लिटिल बर्ड एक छोटी सी चिड़िया होती है जो हमने अपने रोजमर्रा की लाइफ में देख रखी है तभी अचानक से झटके की आवाज के साथ क्योंकि प्रीवियसली देयर वॉज नो साउंड तो अब अचानक से चहकने की आवाज आती है और एक चिड़िया गोल्ड फिंच जो है वो आती है सडननेस टलमेंट और उसके आते ही इस पेड़ में एक अचानक से एक डिस्टरबेंस आ जाता है आस्टाटलमेंट एक ऐसा लगता है एज इफ द द ट्री हैज टर्न्ड इनटू अ लिटिल एस्टोनिस्ट चौंक गया है पेड़ ऐसा फील होता है एट अ ब्रांच एंड और ये चिड़िया आके एक ब्रांच की एंड पर बैठ जाती है एक डाली के किनारे पर बैठ जाती है देन स्लीक एज अ लिजार्ड ये जो गोल्ड फिंच है इट इज एज स्लीक एज अ लिजार्ड इट हैज बीन कंपेयर टू अ लिजार्ड लिजार्ड छिपकली होती है ये इतनी स्लीक है इतनी स्लिम है जैसे कि लिजार्ड है एलर्ट एंड एबरप्ट और बहुत ही अलर्टनेस के साथ एक ऐसे लग रहा है एज इफ शी इज वेरी मच विजिलउंड हर बड़े ही अलर्टनेस के साथ और एबरप्टली सडनली शी एंटर्स दिकनेस वो पेड़ के अंदर के पार्ट की तरफ जो की थोड़ा कंपेरिटिवली ज्यादा थिक है उसमें एंटर करती है बिल्कुल वैसे ही जैसे अलर्टनेस और सडननेस के साथ एक चिपकली एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है बिल्कुल वैसे ही बड़ी ग्रेसफुली ये चिड़िया जो है वो ब्रांच के एंड से पेड़ के थिक पार्ट की ओर मूव करती है एंड अ मशीन स्टार्ट अप एंड सो मच नॉइज एंड सो मच मूवमेंट इज देर एज इफ अ मशीन हैज बीन स्टार्टेड ऐसा लग रहा है कि एक मशीन स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से पेड़ के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस और मूवमेंट भी हो रहा है ऑफ़ चिटरिंग्स किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं चिटरिंग्स की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे यहाँ पे द गोल्ड फिंच इज ट्राइंग टू फीड हर यंग वो पेड़ के जो अंदर की तरफ गई है मे बी वहां पर उसने अपना नेस्ट रखा हुआ है जहां पे शी इज ट्राइंग टू फीड हर यंग वंस जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चिटरिंग्स की आवाज चहचाने की आवाज जो है वो आ रही है एंड ट्रिमोर ऑफ विंग्स वाइब्रेशन हो रहे हैं पेड़ में वाइब्रेशन हो रहे हैं एंड मे बी दीज वाइब्रेशन हैव बीन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द विंग्स ऑफ गोल्ड फिंच एंड ट्रिलिंग्स और भी बहुत सारे हैं जो पेड़ में हो रहे हैं द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल कहने का ये मतलब है कि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पेड़ जो है वो कांप रहा है और थ्रिल्ड हो गया है एक्साइटेड हो गया है वो पेड़ जो पहले बिल्कुल साइलेंट था जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं था जो स्टिल था साइलेंट एंड स्टिल था अभी हम क्या देख रहे हैं दैट देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड चिपिंग एंड चिटरिंग्स इन द थिक पार्ट ऑफ द ट्री और इसके साथ ही वी कैन सी अ नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग मूवमेंट इन द ब्रांचेस एंड द लीव्स ऑफ द ट्री सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम नाउ लेट्स डिस्कस सम न्यू these lines. The फर्स्ट वर्ड was स्टिल दैट means unmoved, जिसमें कोई हलचल ना हो ट्विचिंग here means पुलिंग विद jerk, थोड़ा सा झटके के साथ खींचते हुए स्टार्टलमेंट का मतलब होता है अचानक से स्लीप का मतलब होता है smooth, चिकना ग्रेसफुल अलर्ट का मतलब होता है एक्टिव फुर्ती से Abrupt का मतलब होता है क्विक या sudden अचानक से सो next नेक्स्ट इज ट्रिमोर ट्रिमोर का मतलब होता है कांपना या ट्रम्बल करना सो नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर द लैबरम टॉप इज क्वाइट साइलेंट ये जो पीछे लाइन्स हमने पढ़ी है उनके एक्सप्लेनेशन को और फर्दर सिस्टेमेटाइज करने के लिए हम इन पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं मंथ जो है वो सेप्टेंबर का है और लैबर्नम का टॉप जो है वो बिल्कुल शांत है द सन गोल्डन लाइट ऑन द ग्रीन लीव्स हरी पत्तियों पर सन ने अपनी गोल्डन लाइट डाल रखी है जिससे उनका कलर भी येलो हो गया है सडनली अ गोल्ड फिंच एंटर्स द थिकनेस ऑफ ट्री विद एंड चेरपिंग और तभी अचानक से झटके के साथ बहुत सारी चहचहाट के साथ एक गोल्ड फिंच पेड़ के थिक पार्ट में एंटर करती है इट मूव्स ग्रेसफुली लाइक अ लजार्ड और जैसे छिपकली चलती है वैसे ही ग्रेसफुली ये आगे की ओर एंटर करती है मूव करती है द मूवमेंट ऑफ विंग्स क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज लाइक दैट ऑफ अ मशीन इन द डेंसिटी ऑफ अ ट्री जब ये चिड़िया अपने आप को पेड़ के भीतरी भाग में जो कि बहुत ही डेंस है वहां पर स्टेब्लिश कर लेती है तो वहां पर अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर देती है और उसके पंख फड़फड़ाने की वजह से पूरे पेड़ में एक तरीके का डिस्टर्बिंग और वाइब्रेटिंग मूवमेंट जो है वो होने लगता है सो नाउ यू आर सपोज टू आंसर मार्क्स क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू गेट इन योर एग्जाम्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लैबनम टॉप ऑन एन आफ्टरनून सो हाउ वॉट इज द स्टेटस ऑफ द लैबनम टॉप इट इज क्वाइट स्टिल एंड साइलेंट ऑन एन आफ्टरनून वॉट ब्रिंग्स अ चेंज इन द साइलेंट स्टेट ऑफ ट्री द अपीयरस ऑफ द अराइवल ऑफ अ गोल्ड फ्रेंच चेंजेस The silent state of a tree. To what is the movement of word compared and why? The movement of the word has been compared by a lizard because it moves gracefully like a lizard. What kind of a machine has started in the tree? The machine of noise and the machine of vibrating action has been started in the tree. It is the engine of her family, the moment which the bird is creating in the tree. इट इज द इंजन our फैमिली जैसे ही इंजन की बात आती है तो बहुत सारा शोर और बहुत सारा वाइब्रेशन और ट्रम्बलिंग जो है वो हमारे दिमाग में आ जाती है अगर आपने जनरेटर भी चलते हुए देखा है तो आप देखते हैं कि उसके आस पास के एरिए में बहुत सारा नॉइज होता है और साथ ही बहुत सारा वाइब्रेशन होता है लेकिन दिस जनरेटर इज टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज एंड अ लॉट ऑफ मूवमेंट टू वन मशीन और दर यहां पर भी ये जो शोर हो रहा है जो चिड़िया जो शोर कर रही है गोल्ड फिंच ने जो मूवमेंट किया है इट एक्ट लाइक एन इंजन वाई बिकॉज शी इज फीडिंग हर फैमिली हर यंग वंस इन दैट थिक पार्ट ऑफ द ट्री उस पेड़ के घने पार्ट के अंदर बैठ के जहां पर वो अपने छोटे-छोटे बच्चों को फीड कर रही है यानी वो उनके सर्वाइवल को एंश्योर कर रही है ठीक है ये जो खिला रही है उसके बाद उसके बच्चे कुछ और समय तक मूवमेंट करने के लायक रहेंगे स्ट्रांग बनेंगे एबल बनेंगे वैसे ही जैसे इंजन जो है वो अपने मूवमेंट और साउंड के साथ बहुत सारे मशीन्स को चलाता है शी स्टोक सिट फुल वो अपने बच्चों को पेट भरने तक खिलाती है यहाँ याद रखिए जब भी मूवमेंट है वो दो टाइप से हो सकता है मे बी शी इज फीडिंग हर यंग वंस दैट्स वाई शी इज स्टोकिंग वो चोंच जो मारने का है जो चोंच वो झटके के साथ चला रही है हो सकता है कि वो अपने बच्चों को खिला रही है इसलिए वो वो अपनी चोच को मूव कर रही है या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने बच्चों को पेट भरने तक फीड करने के साथ साथ हर पत्ते पर चोच को मारती है अपनी चोच को हर पत्ते पर मारती है एंड क्रिएट्स अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी लीफ एंड ट्वेग एंड ब्रांच ऑफ द ट्री उट टू अच एंड और वहां से तुरंत उड़ के जब उसका काम खत्म हो जाता है एक जगह पर वो जब मोवमेंट क्रिएट कर देती है वो उड़ के दूसरे ब्रांच के एंड पर बैठती है शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क और जहां से वो अपने बार्ड फेस को दिखाती है जो कि उसकी आइडेंटिटी के लिए एक मास्क की तरह काम करता है यहां इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में इंटरप्रेट करने के लिए भी आ आ सकता है यहाँ हम इसके दो मीनिंग निकाल सकते हैं पहली बात तो ये है कि वेन शी फीड्स हर चिल्ड्रन वेन शी फीड्स हर यंग वंस शी इज नॉट एबल टू शो हर फेस टू डेम तो जब थोड़ी दूर जाके वो बैठती है तो अपने बार्ड फेस को दिखाती है बाढ़ का मतलब है द फेस विच इज हैविंग सम uh, बार्स कुछ स्ट्राइप्स हैं जो उसके बॉडी पर और उसके फेस पर हैं। तो दूर ट्विंक पर बैठकर, दूर ब्रांच पर बैठ के वो अपने बार वाले चेहरे पर चेहरे को अपने बच्चों को दिखाती है मे बी शी इज ट्राइंग टू एंश्योर हर आइडेंटिटी टू हर चिल्ड्रन वो आइडेंटिटी जो अभी तक मास्क में थी जो छिपी हुई थी उस आइडेंटिटी को अपने बच्चों को दिखाने की कोशिश करती है और यहाँ पर इसका ये भी मीनिंग हो सकता है दट शी इज सिटिंग ऑन वन एंड ऑफ द ब्रांच एंड पार्शियली शी इज कवर्ड बाय द ब्रांचेस एंड दीज ब्रांचेस आर वर्किंग लाइक बार्स फॉर हर वो बेंच ब्रांच के एक कोने पर जब बैठी हुई है तो कुछ डालियाँ जो हैं वो छड़ियों की तरह उसके उसको पार्शली छुपा रही हैं ठीक है, है? जैसे जेल में आदमी जब रहता है तो बार्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर जब चिड़िया बैठी हुई है तो पेड़ की कुछ डालियाँ बार की तरह काम कर रही हैं तो ये जो गोल्ड फिंच है वो बार बार उनके थ्रू अपने आप को दिखा रही है मे बी शी इज ट्राइंग टू रिवील हर आइडेंटिटी टू द टू एवरी वन हुन लुकर और यह भी हो सकता है मोमेंट uh, 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 ढेर सारा है और ये जो ढेर सारी आवाज है वो किसने क्रिएट कर ली है फिर से समझ लीजिए यहाँ एक साथ जो गोल्ड फिंच है पार्शली शी इज ट्राइंग टू रिवील हर आइडेंटिटी एंड पार्शली शी इज ट्राइंग टू हाइडेट फ्रॉम अदर्स ठीक है वो पेड़ों की डालियों में अपने आप को थोड़ा दिखाती है थोड़ा छिपाती है मे बी शी इज ट्राइंग टू शो हर आइडेंटिटी टू अदर्स और साथ ही साथ वो छिपाना भी चाहते हो क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि ये सारा मूवमेंट जो है वो उसका क्रिएट किया हुआ देन विद ईयर डेलीकेट विसल और फिर क्या होता है वो जो चेरुपिंग होती है इट ट्रांसफॉर्म्स इंटू आ माइल्ड विसल वो चह चहाने की आवाज जो है वो धीमी धीमी सीटी की आवाज में कन्वर्ट हो जाती है एक अजीब सी सिटी जो दूर जा रही हो चेरुप विस्परिंग चहचहाने की आवाज फुसफुसाने की आवाज में चेंज हो जाती है विस्परिंग साउंड्स में चेंज हो जाती है शी लॉन्चेज अवे और फिर वो उड़ जाती है टुवार्ड्स द इनफाइनाइट शी लॉन्चेज टुवार्ड्स द इन्फाइनाइट लिमिटलेस स्काई वो वहाँ से उड़ के उस अनंत आकाश की ओर चल देती है एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्पटी और पेड़ उतना ही शांत हो जाता है जैसा कि ये पोएम के स्टार्टिंग में था सारा मोमेंट खत्म हो जाता है सारे साउंड खत्म हो जाते हैं और पेड़ जो है वो पहले जैसा ही हो जाता है नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली द पोइट हैज प्लेड विद द साउंड्स एंड कलर्स कैसे वो कलर्स के साथ येलो कलर को इतना डोमिनेंटली उसने इस पोएम में हाईलाइट किया है वेदर इट इज द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ लेबनम और वेदर इट इज द कलर ऑफ द सन और द गोल्ड फिंच तो सबके कलर्स को येलो कलर को उसने डोमिनेंटली रिफ्लेक्ट किया है हमें लगता है जैसे वो येलो कलर हमारी आंखों के सामने ही आ गया हो ऐसे ही जब बहुत सारे वाइब्रेटिंग मूवमेंट और नॉइज के साथ चिरपिंग के साथ जो बर्ड की इमेज है वो भी ढेर सारे शोर को हमारे सामने लाती है और यहाँ पर पोइटिक डिवाइस जो है वो ओनोमेटोपिया है जो कि तब यूज होती है वेन वी आर ट्राइंग टू शो सम एक्सप्रेशन थ्रू साउंड हम जब साउंड को यूज करते हैं अपनी बात को कहने के लिए वहां पर जो पोइटिक डिवाइस होती है वो ओनोमोटापियो होती है तो यहां पर भी वही है तो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम एंड नाउ लेट्स डिस्कस सम वर्ड मीनिंग्स विच आर हेयर इन द लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम स्ट्रोक्स का मतलब होता है फीड करना खिलाना फ्लर्ट्स का मतलब होता है तेजी से उड़ जाना मास्क होता है कवर बार्ड होता है हैविंग बास जिसमें कुछ जिसमें कुछ धारियां हो ईयरी अजीब सा स्ट्रेंज लॉन्चिस फ्लाई उड़ जाना उड़ जाती है इनफाइनाइट का मतलब है लिमिटलेस अनंत जिसका की यूज आकाश के लिए हुआ है अब इसी एक्सप्लेनेशन को आ, हम एक्सप्लेन करते हैं या डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट्स As an engine provides new life with its sounds and movement, so becomes the movement of bird in tree. जैसे इंजन जो होता है वो अपने साउंड और मूवमेंट से एक नई जिंदगी देता है मूवमेंट देता है किसी चीज को वैसे ही बर्ड के मूवमेंट ने इस पूरे पेड़ में एक जान फूक दी है शी फीड्स हर यंग वंस और यहाँ पर वो अपने बच्चों को भी फीड करती है शी फ्लोट फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्री टू अनदर ब्रांचेज एंड वो पेड़ की एक डाल से उड़ के दूसरे डाल पर बैठती है शी कंसील्स हर फेस पार्शली एट द सेम टाइम शी ट्राइज टू रिवील थ्रू द ट्विग्स ऑफ द ट्री वो अपने चेहरे को थोड़ा सा छिपाती है और पेड़ की डालियों के बीच में से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती है देन द चरपिंग बिकम्स माइल्ड और उसके बाद चहचहाने की आवाज हल्की पड़ती जाती है और ये विस्परिंग में चेंज हो जाती है एटलास्ट शी फ्लाईज अवे टू द एंडलेस स्काई और उसके बाद वो अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है और लेबनम टॉप पहले की तरह ही खाली और साइलेंट हो जाता है सो दिस वर द एक्सप्लेनेशन एंड नाउ यू हैव टू आंसर सम वन मार्क्स क्वेश्चन वाई हैज द पोईट वोक द इमेज ऑफ इंजन Image cute uh, he has used engine? Because engine is associated with a lot of noise and vibration. So, in order to give you the picture of vibration and the chirping sound that the goldfinch has created in the tree, the poet has evoked the image of engine. वॉट बिकम्स द मास्क ऑफ गोल्ड फिंच गोल्ड फिंच का मास्क क्या बन जाता है वो जो ट्विग हैं जो ब्रांचेस हैं जो लीवस हैं दे बिकम द मास्क ऑफ द गोल्ड फिंच वन ड चेरपिंग चेंज इन टू विस्परिंग वेन दैन द गोल्ड फिंच गेट्स टायर्ड एंड Uh, prepares to leave the branches and the tree whispering change what is the ultimate state of the tree ultimately the tree again is silent and still so here are the assignment for you the questions from ncrt question number one is what do you notice about the beginning and the ending of the tree in the beginning as well as in the ending of the tree the tree is silent and

किया गया है वॉट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम ये बड़ा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप कैसे भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम शुरू के तीन लाइन्स को इसके क्वेश्चन में इसके आंसर के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोल्ड फिंच के आने से पहले लेबनम टॉप जो था इट वॉज क्वाइट स्टिल इट वॉज क्वाइट साइलेंट कोई शोर नहीं था ये बिल्कुल शांत था और येलो फ्लावर्स पर येलो सनलाइट पड़ रही थी जो ग्रीन लीव्स पर पड़ के उसको येलो कलर में कन्वर्ट कर रही थी तो दिस इज अ लिटिल बिट ब्यूटिफुल साइट दैट अपील्स टू अवर आईज एंड अवर सेंसेस मोस्ट एक्सप्लेन हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क हेयर द poet wants टू से द confusing स्टेट जो रैंडम moment जो कर रही है गोल्ड फिंच उससे मतलब है कि वो कुछ भी सोच समझ के नहीं कर रही है या गोल्ड फिंच जो है शायद उसको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे वो जो उसके मन में आ रहा है वो कर रही है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर आ, कूद रही है स्टोक कर रही है पेड़ में वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है कभी पेड़ के जो डालियां हैं उनके बीच से बाहर झांकती है और फिर कभी उन डालियों के पीछे अपने आप को छुपा लेती है ऐसे लगता है एज इफ शी वॉन्ट्स टू हाइड हर आइडेंटिटी फ्रॉम अदर्स बिकॉज शी डॉन्ट टू शो द सोर्स ऑफ द मूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द ट्री एट द सेम टाइम समाइम शी गेट्स विलिंग कि सबको पता चले कि ये सब कुछ मैंने किया हुआ है और अगेन वो पत्तियों के बीच में से अपना सिर निकालती है और बाहर झांक के Dekhti hai. So these were the questions and this was the end of this poem. I hope you have understood it well. And if you have done, please like the channel and subscribe so that it should reach to maximum number of students and get benefited.